चाइनीज़ चिकन कुलचा बहुत ही शानदार रेसिपी बनने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बाउल लें, बाउल में 500 ग्राम बोनलेस चिकन को डालें। चिकन को पहले अच्छे से धो लें। ये बाउल थोड़ा छोटा पड़ गया है तो मैं बड़ा बाउल ले रहा हूँ, उसमें चिकन को डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिल्ली सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक बड़ा चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, इसके अलावा थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे और एग वाइट डालेंगे 4 चम्मच। इसमें डालेंगे बेसन के। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से आप इसको मिक्स करें। मेरा तेल गर्म हो गया है तो आप भी तेल गर्म कर लें और इनको कर दें फ्राई। तो तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद आप इन्हें फ्राई करें, आराम से डालें, बहुत प्यार से फ्राई करें। मैं आपको बता दूं ये सारे पीसी जो हैं 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे फुल फ्लेम पर। तो गोल्डन कलर आने तक आपको इन्हें फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मेरे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है, तो मैंने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है। अब सीखते हैं अगला स्टेप। इस कढ़ाई से अब हम तेल निकाल लेंगे, इसमें प्याज डाल देंगे, इसको थोड़ा सा चलाएंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा इसको चला देंगे। अब डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको अब अच्छे से चलाएंगे 1 से 1.5 मिनट। आप इसको चला लें, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनने वाली है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, मैंने पेस्ट डाला है, अगर आप काट के डाल सकते हैं तो वो भी बढ़िया बनता है। इसके बाद चिकन को हमने जो फ्राई किया था चिकन, उसको हमने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टमाटो सॉस और सेजवान सॉस, सेजवान सॉस आप इसमें ज़रूर डालें, अच्छी कंपनी का डालें, तभी इसका टेस्ट आएगा बहुत ही बढ़िया वाला। इस तरह से अब डालेंगे इसमें अजीनामोटो, इसकी रीढ़ की हड्डी होती है अजीनामोटो, तो इसको ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बढ़ता है चाइनीज़ खाने की। ये देखिए ये लाया हूँ मैं कुलचा, तो इस तरह का कुलचा आप लेके आइए। चिकन तो हमारा बन के तैयार हो गया है, कुलचे को आप बिल्कुल इसी तरह से काटें, आराम से मैं दिखा रहा हूँ आपको, कुलचा कहीं नीचे से फट ना जाए इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से आराम से आप इसको काट लें। तो मैं सारे कुलचों को काट के रख लेता हूँ, इस तरह से काटेंगे, देखो पूरा इसको हमने भर देना है तभी इसका टेस्ट आएगा। अगर आप इसको आधा काटेंगे ना तो इसका टेस्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि फिलिंग पूरी नहीं होगी। तो मैंने सारे कुलचों को इस तरह से कर लिया है। अब देखिए ये चिकन जो हमने बनाया था इसको ले लिया है, अब हम इसको चॉप करेंगे। इस तरह से आप इसको चॉप करें छोटे छोटे टुकड़ों में, इसके बाद अब हम इसको भरेंगे। ये देखो मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल दिया है, आप अपने हिसाब से सॉसेज डालें, यहाँ पर आप म्यूनिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैंने म्यूनिस का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। तो इस तरह से आप इसको स्टफ़ कर दें, पूरी तरह से भर दें। मैंने सारे कुलचे भर लिए हैं, अब करते हैं अगला स्टेप ट्राई। तो तवा रखें, तवे में बटर लगाएं, इसके बाद कुलचा रख दें, फिर थोड़ा सा बटर साइड से आप लगा के इसको पलट दें। पलटने के बाद इसका हल्का सा गोल्डन कलर आने पर इसको निकाल दें। ये स्टेप आप सीखें, ये देखो आपको मैं बड़े प्यार से सिखा रहा हूँ। इसके बाद इसको नैपकिन में लें या बटर पेपर पर ले लें या आप सिल्वर फॉइल पर ले सकते हैं, तो इस तरह से इनको ले लें। मैंने सारे कुलचे बना लिए हैं, स्टफ कर लिया है, आप देखिए कितने बढ़िया से ये भरे हुए हैं। वाह भाई वाह, मुंह में पानी आ रहा है। इनमें आप अपने हिसाब से सॉसेस ऐड कर सकते हैं ऊपर से, जैसे टमाटो सॉस, म्यूनीज, ठीक है, सेजवान सॉस, कुछ भी आप डाल सकते हैं ऊपर से। घर की बनी हुई चटनी के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है, ये बहुत ही टेस्टी है। धन्यवाद माई डियर फ्रेंड्स।